तो जी अभी हूँ मैं हमीरपुर जिला के NIT से आगे दुर्गा माता मंदिर में, और बहुत ही प्यारा यहाँ पर एक मंदिर है, और लगभग 30-35 वर्षों से जो है यहाँ पर भंडारे का आयोजन किया जाता है। और देख सकते हैं आप ढेर सारी आइटम जो है यहाँ पर आज भंडारे में बनाई गई हैं हमारे हमीरपुर जिला के शशि शर्मा बोटी जी द्वारा, और काफ़ी फेमस बोटी हैं और स्पेशल इनके द्वारा आज यहाँ पर इन्वाइट किया गया मुझे, क्योंकि कुछ एक आइटम जो है यहाँ पर स्पेशल बनाई गई हैं, तो दिखाते हैं आपको। तो नमस्कार भाई जी, क्या हाल चाल है, और आज आप बताएं कि हमीरपुरी धाम में जो आपने कौन कौन सी आइटम यहाँ पर जो है भंडारे में जो है भक्तजनों के लिए बनाई हैं। जय माता कांगड़ा के वाइट चने, तो देख चने सकते हैं पहली आइटम जो है इनके द्वारा आज कांगड़ा के जो है वाइट चने जो बनाए गए हैं, इसको आलू और जो सफेद चने रहते हैं उनके कॉम्बिनेशन से बनाए गए हैं। और भाई जी ग्रेवी वगैरह की कौन सी इस्तेमाल की है इसमें? दही का इस्तेमाल होता है सारा। तो देख सकते हैं आप पहली आइटम जो आज हमीरपुरी धाम में जो है कांगड़ा की जो आइटम रहती है वो बनाई गई है। दूसरी आइटम देख सकते हैं आप, ये कौन सी आइटम है भाई जी? ये भी कांगड़ा के तेलिया माँ जी। तो देख सकते हैं आप दूसरी आइटम जो है कांगड़ा के तेलिया माँ जो है इनके द्वारा यहाँ पर जो है स्पेशली तौर पर बनाए गए हैं। तीसरी आइटम जो है ये हमीरपुरी धाम में जो बनती है बूंदी वाली कड़ी है, ये इनके द्वारा पे यहाँ पर जो बनाई गई है, क्योंकि यहाँ पर जो है 2-3 जिलों की धाम का जो आज कॉम्बिनेशन करके जो है हिमाचली धाम तैयार की गई है। ये चौथी आइटम कौन सी है? मंडी की सेपो बड़ी। तो देख सकते हैं आप चौथी आइटम जो है मंडी की जो मशहूर पालक सेपो बड़ी रहती है, इनके द्वारा यहाँ पर जो है ये स्पेशली तौर पर तैयार की गई है। और देख सकते हैं आप पांचवी आइटम जो है बिलासपुर जिला की जो धोतवे दाल रहती है हमारे शशि शर्मा बोटी जी के द्वारा तैयार की गई है। और मेरा वीडियो दिखाने का मकसद ये भी है कि ये मल्टी बोटी हैं और इनके द्वारा जो है अलग अलग आज जिलों की धाम जो है यहाँ पर तैयार की गई है। ये कौन सी आइटम है? ये रसम है जी, दक्षिणी भारत। और ये देख सकते हैं आप दक्षिणी भारत की जो है स्पेशली तौर पर जो है हिमाचली धाम में जो आज रसम भी बनाई गई है, थोड़ा इसको दिखाएंगे, देख सकते हैं आप इसकी कंसिस्टेंसी और किस तरह से जो है परफेक्ट बोटी है हमारे। ऐसा नहीं है कि जो धाम ही बनाते हैं, इसके साथ साथ जो है हमारे और भी इंडियन जो कुकिंग रहती है व्यंजन रहते हैं उनको भी तैयार करते हैं। ये कौन सी आइटम है भाई जी? बादाम और काजू का मदरा जी। ये देख सकते हैं आप सिर्फ और सिर्फ बादाम और काजू का जो है मदरा यहाँ पर स्पेशली तौर पर तैयार किया गया है, और ये खास आइटम है, थोड़ा इसके बारे में पूछते हैं भाई जी, इसको किस तरह से तैयार किया गया है? इसमें बादाम डाले गए जी जी, इनको बॉयल किया है बादामों को, कि कैसे बॉयल करके बादामों को जो है बॉयल किया है, और इसमें साथ में काजू भी बॉयल किए हैं। काजू को वैसे ही डाला, ऐसे डाला है साबुत फॉर्म में। तो जैसे ये बता रहे हैं ग्रेवी लगी है, ग्रेवी किस चीज़ की तैयार है? मगज और टमाटर, मगज और टमाटर की ग्राइंड करके जो है ग्रेवी तैयार की है। और एक बार फिर से दिखाते हैं आपको, ये स्पेशल आइटम जो है इनके द्वारा यहाँ पर तैयार की गई है, और इसी स्पेशल आइटम के चलते जो है मैं इनका वीडियो ब्लॉग यहाँ पर बनाने पहुँचा हूँ। और देख सकते हैं आप अगली आइटम जो है चंबे के राजमा जी, ये देख सकते हैं आप चंबा के राजमा, और चौथा जो जिला रहता है हमारा चंबा, वहाँ का भी जो राजमा है काफ़ी फेमस है, और देख सकते हैं आप इनकी कंसिस्टेंसी। और भाई जी बताएं जरा इनको कैसे तैयार किया गया है? इनको पहले उबाला गया जी राजमा को जी जी, फिर दही डाला गया जी, फिर उसमें सरसों का तेल डाला जी जी जी, फिर उसे तैयार किया गया, उसी में जो है पकाए हैं। फिर से मैं एक बार दिखाता हूँ, और आज हमीरपुर जिला में जो है स्पेशल तौर पर चार जिलों की जो है धाम, पांच जिलों की धाम जो है अलग अलग आइटम जो है यहाँ पर सिलेक्ट की गई हैं और यहाँ पर बनवाई गई हैं। मीठा विदाउट कलर जी। और देख सकते हैं आप नौवीं आइटम जो है स्पेशल तौर पर, भाई जी क्या बता रहे हैं आप? मीठा जी, इसमें कोई कलर नहीं डाला हुआ है, देख सकते हैं आप जो है नेचुरल जो हमारा रहता है बूंदी का बदाना जो बनता है उसको जो है इन्होंने डायरेक्ट बनाया है, इसमें किसी भी तरह का फूड कलर यूज नहीं किया गया है। तो देख सकते हैं आप आज यहाँ पर जो है हमीरपुर जिला में जो है लगभग 9 आइटम्स जो है हमारे शशि शर्मा बोटी जी के द्वारा तैयार की गई हैं। और साथ में मैं आपको दिखाना चाहूँगा हमारे जो दानी सज्जन है, नमस्कार सर, अपना नाम बताएं। जगदीश कौशिक। जगदीश कौशिक जी हैं और रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, और लगभग कितने सालों से आप यहाँ पे धाम जो है लोगों को खिला रहे हैं? 1993 से कर रहे हैं हम। 1993 से जो है इनके द्वारा यहाँ पर जो है माँ दुर्गा माता के मंदिर में जो है हर नवमी को मनाते हैं, हर साल जो है रामनवमी के दिन जो है भंडारा आयोजित किया जाता है। और देख सकते हैं आप, ये भी बहुत बहुत बधाई के पात्र है जी, साथ में रमन भतीजा यहाँ के जो मालिक है रमन जी जी जी, उनका मेन योगदान रहता है रमन कौंडल जी जी जी, और ये सारे ही एकता कैफे के जितने भी हैं सभी यहाँ के लोग जो भाग लेते, मतलब जो हमीरपुर का NIT से आगे एकता कैफे मालिक है उनके जो रमन जी है, आपके क्या भतीजा जी है, उनके द्वारा जो यहाँ पर ये सारा ऑर्गेनाइज किया गया है। और जैसा हमारे प्रिंसिपल साहब जी बता रहे हैं कि हर साल जो है उनके द्वारा यहाँ पर आयोजन किया जाता है, तो ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं आप हिमाचल में जो आज भी हमारा रीति रिवाज धर्म संस्कृति कल्चर जो है जिंदा है, और
लोग इसको जो है संजोए हुए हैं। तो आज के वीडियो ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल, बाय बाय।